परम पूज्य गुरु माँ चैतन्य मीरा के द्वारा 14 सितंबर से 21 सितंबर तक हरमू रोड में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा रांची में किया जा रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में प्रदीप सुरेखा एवं रीना सुरेखा होंगे। पूरे आयोजन के दौरान मंच के द्वारा प्रतिदिन सेवा कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूपा अग्रवाल, अलका सराबगी, रीना सुरेज, मंजू लोहिया, मंजू मुराक्का, मधु सराफ, ललिता नरसरिया, रीना सराफ, श्वेता सराफ, मंजू गड़ोदिया, निधि सराफ, सुशीला पोद्दार, उर्मिला पाडिया, प्रीति पोद्दार, बबीता नरसरिया, सरिता अग्रवाल, रीता केडिया, अनामिका पारसी, अलका अग्रवाल के साथ साथ मीडिया प्रभारी अन्नू पोद्दार उपस्थित रहे। भगवत गीता तो बचपन से ही संस्कार में थे, तो गीता से शुरू हुई और इस तरह से ये सिलसिला कथाओं का बढ़ता है। बिरसा मुंडा के इस पवित्र पावन भूमि को नमन करते हुए और एक बात कहूँ, वैसे पिछले 25 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं, ज्ञान का संवर्धन करना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, हमारी भारतीय संस्कृति के जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करके, और शास्त्र चाहे कितने ही पुराने क्यों ना हो, लेकिन आज की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी वो उतने ही रेलिवेंट हैं उस नज़रिए से और विज्ञान के नज़रिए से हर शास्त्र को देखना। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, खुद साइंस के स्टूडेंट हूँ और खुद का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भी है, तो कहीं ना कहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप एवरीथिंग इन बॉम्बे, तो हर तरह की चीज को हमने देखा है। विज्ञान के धरातल पर योग का जगत और हमारे शास्त्रों में जितना विज्ञान है, तो इन सबका साथ लेकर डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये शास्त्र हमारे जीवन के लिए, चाहे हमारा निजी जीवन ही क्यों ना हो, शरीर हमारा कैसे स्वस्थ रहे, आचार कैसा हो, विचार कैसा हो, हमारे व्यवहार कैसा हो, मन हमारा किस तरह से शांत रहे, कैसे हम निराशा से दूर रहें, डिप्रेशन से कैसे मुक्त हो सकें, शरीर का स्वस्थ होना, मन का स्वस्थ होना, युक्त आहार विहारस्य, यानी हमारा खान पान, उठना बैठना, सोचना, हमारा व्यवहार, तो इन शास्त्रों के द्वारा हमारा प्रैक्टिकल जीवन, चाहे वो निजी जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, परिवार में हम कैसे रहें, कैसे हमारे रिश्तों में मधुरता हो, कैसे कोऑपरेशन हो, सामाजिक जीवन में हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं समाज के प्रति, तो आज जो महिला मंच कर रहा है, तो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझकर हम अपनी अपनी क्षमता से जितना कर सके, और अंत में देश के लिए और विश्व के लिए हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, इन सारी बातों का ज्ञान हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने लिख दिया है। पर लेखनी में कितना दम है ये आप लोगों से ज्यादा कोई जान नहीं सकता है।